मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा आज एक कार्यशाला का आयोजन बरेली में किया गया है। हमारे साथ बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर नीता अहिरवार जी मौजूद। आइए जानते हैं उनसे किस तरीके की ये कार्यशाला थी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये किस तरीके की कार्यशाला थी, इससे क्या लाभ मिलने वाला है आगे? देखिए, आज इस मीडिया कार्यशाला का नाम जागरूक रखा गया है, जिससे कि हम आपको जागरूक कर सकें और हम भी आपके प्रश्नों से जागरूक हों, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है आम नागरिक आम महिला तक जागरूक करते हुए योजना का लाभ देना। तो ये मीडिया के माध्यम से जो हमारी उपलब्धियां हैं विभाग की, जो हम लोगों को लाभ दे रहे हैं उसको साझा करना है। और ये अपेक्षा है कि जो और लोग बच गए हैं, क्योंकि अभी 100% लक्ष्य हम लोगों ने पूरा नहीं किया है, तो इस जागरूकता के माध्यम से हम और भी जो लोग हमारे पात्र हैं या जो लाभान्वित हो सकती हैं महिलाएं, उनको हम इस योजना से जोड़ सकें। अभी जो कोरोना महामारी आई थी उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाया जान माल का, तो उसके लिए मिशन शक्ति जो अभियान चल रहा है आपका, महिलाओं को और बच्चों को खास करके क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या योजनाएं उनके लिए, थोड़ा जानकारी दें जी। मिशन शक्ति के अलावा भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, जिसमें अगर कोविड काल के दौरान कोविड से किसी भी महिला या पुरुष की मृत्यु हुई है तो उनके बच्चों को सरकार की ओर से प्रति माह 4,000 रुपये और लैपटॉप अगर कक्षा 9 से ऊपर पढ़ रहे हैं और बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में जो भी परिवार में किसी की मृत्यु हुई है कोविड से और उसकी रिपोर्ट उनके पास है, तो ऐसे परिवार में बच्चों की सहायता जो 18 साल से नीचे हैं उनको हर माह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं और परिवार के प्रत्येक बच्चे को दिए जाएंगे। साथ ही जो कक्षा 9 या उससे ऊपर पढ़ रहे हैं तो उनको लैपटॉप की सुविधा है, और जो बेटियां अभी नाबालिग हैं लेकिन जब वो बालिग होंगी उनके विवाह होगा तो उनको 1,01,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। वर्तमान में बरेली मंडल में लगभग 450 बच्चों को हर मंथ 4,000 रुपये दे रहे हैं और आगे भी करीब हमारे पास 400 ऐसे फॉर्म हैं जो अगले महीने तक लाभान्वित हो जाएंगे। लेकिन कोविड के दौरान भी ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों के पास कोविड की रिपोर्ट नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में किसी की डेथ हुई और बच्चों और महिलाएँ प्रभावित हुई हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है कि अगर कोई भी कोविड रिपोर्ट नहीं है, किसी भी कारण से डेथ हुई है, तो उस परिवार में 23 साल से नीचे तक के बच्चे हैं उनको अधिकतम 2 बच्चों को 2,500 रुपये प्रति मंथ की धनराशि दी जा रही है। ऐसे करीब हमारे यहाँ पे 800 बच्चे हैं जिनको मंडल में हम लोग हर माह 2,500 रुपये दे रहे हैं और आगे भी ये संख्या बढ़ जाएगी। और ये अपेक्षा है मेरी कि जितने लोग भी इससे प्रभावित हैं वो इस योजना का लाभ ले सकें, उन तक पहुँचने की मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा भी दिया जाना है बच्चों को, अपने यहाँ कितने बच्चे उसमें चयनित हुए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना लॉन्च की गई है, जिसमें कि माँ बाप दोनों ही कोविड से ख़त्म हुए हैं, बच्चे टोटल अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को 10,00,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो 23 साल तक वो 10,00,000 रुपये अपने प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही ऐसे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में हम लोग उनका एडमिशन करवा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, बच्चों के राशन कार्ड बन गए हैं और एज अ प्रशासन शासन उनको अपने बच्चों की तरह देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंडल में ऐसे 9 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, 4 बरेली में है, शाहजहाँपुर में और बदायूं में, तो कुल 9 बच्चों को हम लोगों के यहाँ से प्रधानमंत्री केयर में सहायता दी जा रही है। शीघ्र ही माननीय मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा ऐसे बच्चों से सीधा संवाद किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसी माह में, तब इन बच्चों को सारा जो आयुष्मान कार्ड है इन सब चीज़ों को सौंप दिया जाएगा। का जो 4.0 है इस बार वो गांव पर ही फोकस है और हमारी महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं, स्वावलंबन कैंप हर ब्लॉक में लगाए जा रहे हैं, प्रधान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये आंगनवाड़ी विभाग है और ब्लॉक पर भी हर शनिवार तीसरे और पहले को ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए 4.0 में गांव को बहुत फोकस करते हुए इन योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का है कि हर महिला तक मिशन शक्ति की गूंज पहुंचे और वो सशक्तिकरण को महसूस करें। तो ये थी डीपीओ नीता अहिरवार जी जो बता रही थी कि इस बार जो मिशन शक्ति 04 है उसमें ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मिशन शक्ति योजना का लाभ मिल सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।